टुडे वी हैव द अमेजिंग ट्रिक ऑफ द फिजिक्स। आप सभी ने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा और आप सभी को उस वो टाइटल देखने के बाद ऐसा भी लगा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है। अगर MCQ है और वो भी फिजिक्स का, तो फिर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए कैसे आंसर बता सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप एक बार इस ट्रिक को बस सीख लो, उसके बाद आपको MCQ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखते ही आप इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप इसका आंसर जो है वो बता सकते हो। सिर्फ इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने अगर बीच में ही वीडियो को स्किप कर दिया, तो फिर आपको इस आप ये ट्रिक तो जान लोगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन में आप मात खा जाओगे। इसके लिए इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ट्रिक क्या है कि अगर उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि हमारी जो भी बॉडी है वो फ्रीली ड्रॉप होनी चाहिए फ्रॉम ए सर्टन हाइट, या फिर वो जो उसकी जो मोशन है वो रेस्ट से शुरू होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट होना चाहिए। तो फिर क्या करती है, कोई भी बॉडी अगर या तो फ्रीली ड्रॉप हो या फिर वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, वो क्या करती है, एक सक्सेसिव डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन दी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और फिर वो सक्सेसिव डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1:3:5:7 एंड सो ऑन। मतलब जितने भी ऑड नंबर से उतना उसका रेशियो होता है। मतलब अगर फर्स्ट वन सेकंड में अगर बॉडी सपोज करता हूँ मैं, अगर यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट सेकंड में मैं अगर बोलता हूँ कि वो 5 मीटर्स जा रही है, सपोज अगर फर्स्ट वन सेकंड में वो कितना गई, 5 मीटर्स, तो फिर अगले एक सेकंड में कितना जाएगी, उसका इंटू थ्री कितना हो गया, 15। ये कितना गया था हमारा, 5 मीटर, और ये कितना गया है, 15 मीटर। उसके बाद देखिए अगले सेकंड में कितना जाएगा, उसका क्या है था हमारा रेशियो, 1:3:5:7। अगर फर्स्ट सेकंड में कितना गया, हमने सपोज किया कि 5 मीटर गया, सेकंड में कितना गया, उसका मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना हो गया, 15 मीटर। और अब थर्ड में कितना जाएगा, 5 × 5 = 25 मीटर। उसके अगले सेकंड में मतलब फोर्थ सेकंड में कितना जाएगा, 5 × 7 = 35 मीटर। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे मान ले कि यही रेशियो होता है या फिर ये जो आंसर है वो सही है। तो कोई बात नहीं, मत मानो, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। देखिए हमारे पास सॉल्व करने का कौन सा फार्मूला होता है, S = UT + ½AT² हमारे पास यस क्या है, ये जो हाइट है हमारे पास एच वाली, वो कैसे लेनी है, निगेटिव, क्योंकि बॉडी क्या है हमारी नीचे आ रही है। तो फिर हम क्या लेंगे, इधर −H = U कितना था हमारा, 0, जो कि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट था या फिर फ्रीली फॉल था। तो वहाँ पे हमारा U कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। क्या बचेगा यहाँ पे, ½AT², और ये A हमारा कितना आ जाएगा, −G, क्योंकि कहाँ आ रही है, जी का लगता है नीचे लगता है, तो फिर क्या आ जाएगा, −G, और ये टी का स्क्वायर। और हम सभी को पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। जी की वैल्यू कितनी है, 10 m/s². चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा −H, ये हमारा हाफ, 10 जी की वैल्यू डाल देते, यहाँ पे आ गया −10। और फर्स्ट वन सेकंड के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, −5। 1 स्क्वायर, ये हमारा −H, इधर हमारा 1 बचा, और इधर −5, और 1 का स्क्वायर हमारा 1, तो ये कितना आ गया, −H = −5, ये −−cancel, H = 5, ये आ गया हमारा फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर। कितने में आ गया हमारे, फर्स्ट सेकंड का आ गया, मतलब 1 सेकंड में आ गया हमारा। अभी नेक्स्ट अगर हम जो है अभी 2 सेकंड्स के लिए इसको सॉल्व करते, वही हमारा फार्मूला लगाएंगे हम, S = UT + ½AT², यस कितना है हमारे पास, −H, ये पूरी टर्मिनोलॉजी 0, यू हमारा कितना था, 0 था, इधर कितना बचा, हाफ −G × T का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, −H =
वन बाय टू माइनस टेन, और कितने सेकंड में निकालना है हमें, 2 सेकंड में, तो वी टू का स्क्वायर। ये देखो ये 2 से ये 2 मर जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस टेन इंटू टू। देखिए माइनस एच इजिकोस टू माइनस 20, एच इजिकोस टू 20। अब देखिए कितना आ गया एच इजिकोस टू 20 और कितने में आ गया ये 2 सेकंड्स, कितना 2 सेकंड्स में आ गया हमारा ये। देखिए अब इधर कितना आया था, फर्स्ट 1 सेकंड में कितना आया था 5 मीटर और दूसरे में कितना आया था 15। अगर हम इसको ऐड करते हैं 5 प्लस 15 तो हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ पे भी कितना आ गया हमारा 20 मीटर। ओके देखिए अगर आपको मतलब इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर करना है तो, वही हमारा फार्मूला हम लगाएंगे यस इजिकोस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यस कितना है हमारे पास माइनस एच, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी का स्क्वेयर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस एच इजिकोस टू 1/2, जी की वैल्यू रख देंगे माइनस 10 और टी का स्क्वेयर, मतलब अब हम कितने के लिए निकाल रहे हैं 3 सेकंड के लिए, तो फिर 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास ये 1/2 इंटू माइनस 10 इंटू 9 माइनस 90, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 45 माइनस एच, एच इजिकोस टू कितना आ गया हमारे पास 45 मीटर। ये कितने में आ गया हमारा 3 सेकंड्स में। देखिए अब इधर देखिए हमारा इसमें कितना आया था, पहले 1 सेकंड में आया था 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में कितना आया था 15 मीटर, और फिर अगले सेकंड में कितना आया था 25। अगर हम इसको ऐड करते 25 प्लस 15 कितना हो गया 40, 40 प्लस 5 कितना हो गया 45। 3 सेकंड्स में आ गया हमारा 45, यहाँ पे भी हमारा आ गया 45। देखिए फिर ये ट्रिक्स है ना आपके काम की, अगर इसको आप अगर अच्छे से सीख लेते हो तो फिर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह का एमसीक्यू इसमें सॉल्व करने की। अगर इस टाइप का कोई भी एमसीक्यू अगर आपको आता है तो फिर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, मतलब सॉल्व करने का काम ही नहीं है, बस देखे देखे इसका आंसर आप बता सकते हो। तो फिर नेक्स्ट मैं इसका एक आपको एक PYQs करा देता हूँ, जिसके आपको मतलब इसका एप्लीकेशन भी आप सीख जाओगे, मतलब आप सीख गए हो अभी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप करोगे नहीं करोगे तो भी आप उसका आंसर दे दोगे, लेकिन मैं आपको एक PYQs इसका करा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा PYQ है ये 2013 में नीट में ये आया था। देखते हम क्या है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ए ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस H1, H2 एंड H3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, द नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड H3 इज। अब देखिए ये पूछ रहा है हमें कि H1, H2 और H3 में क्या रिलेशन है, जबकि हमने जो स्टोन है वो फ्रीली ऊपर से क्या कर दिया है, बस फॉल कर दिया है। अगर उसको हमने फॉल कर दिया तो वो क्या कर रहा है, इट कवर्स अ डिस्टेंस H1, H2 एंड H3। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक स्टोन को ऐसे नीचे ड्रॉप कर दिया, तो फिर क्या है वो फर्स्ट वन सेकंड में कितना गया वो H1 सेकंड, उसके बाद में H2 गया अगले सेकंड में, उसके बाद में कितना गया H3 मतलब उसके बाद के सेकंड्स में, और हमारे पास वो सेकंड किसने दिए है 5 सेकंड दिए। देखिए फर्स्ट 1 सेकंड नहीं कितना दिया है हमें 5 सेकंड्स में, तो फर्स्ट 5 सेकंड में कितना गया वो H1, उसके बाद जो है सेकंड वाले जो है 5 सेकंड में वो कितना गया H2, और थर्ड वाले 5 सेकंड में कितना गया H3। तो इसका रेशियो क्या है, हमने अभी पीछे देखा था क्या रेशियो आता है, 1:3:5। ओके देखते अभी इस ऑप्शन में देखते ही, देखिए मेरे पहले से आप पहले ही बता दो मेरे मतलब आप, मैं तो बताऊंगा ही, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दो क्या आता है, तो आप सभी को ट्रिक्स तो पता चली गई है। चलिए तो फिर मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसका रेशियो क्या आएगा 1:3:5, किसका बी आंसर का। अगर इसको आप सेपरेटली भी दे सकते हो, मतलब H1 और H2 का अगर आप रिलेट करते हो, H1 इजिकोस टू H2/3, तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर 3 टाइम्स ऑफ H1।
देखिए जिस तरह से हमने H1 को इक्वेट किया, H1 इक्वल्स टू H2 बाय 3, तो H2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, को हम इधर लेके जाएंगे तो 3 टाइम्स ऑफ H1, उसी तरह से हम H1 और H3 को भी, H1 और H3 को भी रिलेट कर सकते हैं। H1 इज इक्वल्स टू H3 बाय 5, अगर हम इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारा H3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ H1, तो हमारा रेशियो आ गया H1 इज इक्वल्स टू H2, सॉरी H1 इज टू H2 इज टू H3 इज इक्वल्स टू 1 इज टू 3 इज टू 5।